बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज से संघ का पावन वर्षायोग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड़गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधा जी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड़गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूलनायक वेदी नीचे भौंयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौंयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधा जी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चातापूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौंयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ससंघ का पावन रजत तीर्थ वर्षायोग भक्तिभाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। हम सम सम तम तम पम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम चीम 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 त्रिम त्रिम दावा दावे नमोति भगवते सीमत भजरी सी स्वाहा तिरुत्तम भवई निरय श्री वाय रूप कृष्ण भुंजना जना संस्थान ओम ह्रीम श्री विश्वादि विरांत जरी शम स्वाहा ओम ह्रीम श्री विश्वादि विरांत जरी शम स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतजलि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतं जलि निष्णप्यामि 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमंत भगवंत पाल सिंधम श्री विश्वादि वर्धमान प्रचतुर्भुजम आदि जम्मूदी परिचितखंडे भारत देशे मध्य प्रदेश टीका जनता का सिपंदा स्थिति मासुत मासे भादो मासे कृष्ण पक्षे तेरस तितु दिन सुख दिन का है
जिन शनिवास पौराणिक समय मुनि आयका श्रावक सपन जला निश्चिन ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांत जले सब स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतम जय स्नाप्यामी सा ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतम जय स्नाप्यामी सा ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतम जय स्नाप्यामी सा ओम ह्रीं श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहुसाहुणं चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारे लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारी शरण पब्बज्जामि अरहंते शरण पब्बज्जामि सिद्धे शरण पब्बज्जामि शाहु शरणं पपज्जामि केवली पन्नतम धम्मं चरणं पपज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वेषां शांति धारा कर्तृणां दृष्टिणां श्रुतीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमोते भगवते पिचीन दोष कल्पसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्व विनाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय सर्प कक्षदम विनाशाय सर्व छामडाम विनाशाय ओम राम रीम रूम रम रा अस्या उषा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु ओम रूम चौपट कीटि कीटि घाताय घाताय पर विघ्नाय स्पोष स्पोष सहस खंडान कुरु कुरु परमंतान छिन छिन परमंतान भिन्न भिन्न छा छा बाहा हूं फट स शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्या उषा नाथ विद्याय इडमोरियंताणम हिरुभि शांति कुरु कुरु ओम आह्री श्रीहा उरुहम साहा जगदा विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सर्वमंताय अशोकतर सर्वहत्ताय सुवनप्राय हमरूभिया सर्वद शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्ट सर्वमंताय सूर्य पुष्ट सपराधिहाय सुवन पत्राय भमरूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य धुनी सर्वमंताय दिव्य धुनी सपराधिहाय सुवन पत्राय ममरूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोजल सर्वमंताय चामरोजल सपराधिहाय सुवन पत्राय रमरूभि सर्वत शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सापरमंताय सिंहासन सापराधिहाय सुवन पप्राय घमरूभि सर्वत शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सापरमंताय भामंडल सापराधिहाय सुवन पप्राय झमरूभि शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी सपमंताय दुंदवी सपराधिहाय सुवन पप्राय रम रूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सपमंताय छत्रत्रय सपराधिहाय सुवन पप्राय खम रूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय पितियस्तयताय बीजष्ट मनमंताय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मी राजगे पदविष्टो दारिद्रोधव स्वचक परचकुभव पिचंड पवनाद जलोद्भव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतिक्ष दुर्विक्ष व्यापार विद्रय तम विनाशनम भवतु शानदार कर्ता से इंजीनियर महावीर सिंह सिद्धार्थ सिंह भोपाल के सपरवाह शांति हेतु श्री राजीव जैन आशा जैन भोपाल के सपरवाह शांति हेतु श्री कमल कुमार जी मोदी कमल कुमार जी मोदी बीना सप्रवाह शांति हेतु श्री मुरली मनोहर जैन बदाख सप्रवाह शांति हेतु श्री सुरेश चंद जी जैन अक्षत जैन
सचिन जैन, रितु जैन, सम्यक नितिन जैन, समस्त परिवार की सपरिवार शांति हेतु, श्री लाला मदन लाल जैन गुड़गांव की सपरिवार शांति हेतु, श्री लाल श्री विमल कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, राय जैन, श्वेता जैन भोपाल की सपरिवार शांति हेतु, श्री प्रेमचंद जैन साड़ा दक्षिणपुर की सपरिवार शांति हेतु, श्री सुरेश कुमार जैन पृथ्वीपुर की सपरिवार शांति हेतु, श्री ऋषभ कुमार जैन गोयल, श्रीमती ममता गोयल बांद्री वालीहाल सागर के सपरिवार शांति हेतु, श्री प्रभाजी बरजत, संगीत जी बरजत्ता, रौनक बरजत, सोनल रौनक जैन गुवाहाटी के सपरिवार शांति हेतु, श्री शांति रस्तु सिमस्तु जयोतमस्तु नित्य माय ग्रस्तु सर्वेशा पुष्टिस्तु तुष्टिस्तु समृद्धिस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभ्यदिरस्तु दीघाऊरस्तु कुलगोधनसदास्तु श्री सद्धयम बलाव कीतिरस्तु ओम ईवरणम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मुख प्रसाद भवतु। संपूज पूजका नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फलाप्य कर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगिता परमेश्वरत्वम् धर्मस्नेही भवात्माओं अभी आपके सामने मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक के माध्यम से अजितनाथ भगवान की स्तुति की। इंद्रादिवि क्षीर समुद्र तो यही संसना पितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रा। हे जिनेन्द्र भगवान, इंद्र के द्वारा क्षीर सागर से लाया गया जल, उससे आपका मेरु पर्वत के ऊपर स्वर्ण कलशों से अभिषेक हुआ। भगवान जन्म के समय होनहार भगवान कहलाते हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तीर्वे गुणस्थान में होता है, लेकिन उसके पहले ही वह प्रकृति कैसा प्रभाव डालती है, वह ऐसा ही प्रभाव डालती है कि सूर्य तो बाद में आता है, उस सूर्य की किरण उसका भोर जो कहलाता है प्रभात, उसके माध्यम से ही यहाँ प्रकाश हो जाता है। सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दो घड़ी या एक घड़ी पहले, 24 मिनट पहले यहाँ पर प्रकाश हो जाता है।
ऐसे ही वह सत्ता में अभी पड़ी हुई प्रकृति इतना प्रभाव डालती है कि बड़े बड़े इंद्रों को भी आसन के हिला देने वाली वह प्रकृति होती है। ये कोई पैसों के माध्यम से इस प्रकृति का बंध नहीं होता, ये तो विशुद्धि के माध्यम से होता है। जिसकी ऐसी विशुद्धि बढ़ती है वह विशुद्धि ऐसे प्रगाढ़ पुण्य का संचय करा देती है। ये दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाने के लिए निरंतर कहा गया है। आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हमारे भगवंत कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आज इस कली काल में भी अगर स्थापना निक्षेप से ऐसी प्रतिमाएं जहां पर विराजमान है, निरंतर हजारों लाखों लोगों ने जिनकी आराधना की है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन हो गई हैं, ऐसी प्रतिमाओं के सामने अगर हम भावनाएं भाते हैं, वह भावनाएं हमारी फलीभूत होती चली जाती है। आज भी वही फल मिलता है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब भरत चक्रवर्ती की आंखों में से आंसू आ गए। अब हम किसकी आराधना करें? तब गिरधर परमेष्ठी बिशप सेन महामुनिराज ने, हे भरत चक्रवर्ती, भगवान को तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, अब भगवान के जिनालय और जिन बिंब स्थापना करके उनकी पूजा आराधना करो, तुम्हें वही फल मिलेगा जो साक्षात समूसण में पूजा पाठ का फल मिलता है। तब चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर भव्य 72 जिनालयों का निर्माण कराया और वह मंदिर कौन से? रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी जिनालय का निर्माण और प्रतिमा रत्नमयी प्रतिमाएं बनाया।